सत श्री अकाल जी, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव ट्रैवलर और मैं हूं आपका दोस्त हैप्पी। अभी अभी एक गुड न्यूज आई है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे कल रात को शेयर की थी स्टोरी में, कि इंडिया ने अभी इनकम टैक्स पर 7 लाख तक की रिबेट दे दी है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। जो पहले 5 लाख की इनकम शो करते थे डिडक्शंस लगा लगा कर ताकि कोई टैक्स नाम को लगे, अब उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। अब आप 7 लाख शो कर सकते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन की 7.5 लाख तक कर सकते हैं, 50,000 की वो डिडक्शन आप लगा कर 7 लाख कर सकते हैं और उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज कर रहा था इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे कि स्ट्रांग नहीं है, 5 लाख टैक्स, 5 लाख इनकम कोई इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी, अब आप 7.5 तक उसे लेकर जा सकते हो। मैं तो काफी टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ कि 8 से 9 लाख तक की ITR भरो अगर आपने टूरिस्ट वीजा लेना है और उस पे टैक्स देकर आप आओ, ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वीजा मिल जाए। तो अभी एक अच्छी चीज हुई है, उम्मीद है ये चीज आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगी विदाउट टैक्स, और आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो भी स्ट्रांग दिखेगा आप फाइल्स में। अच्छी चीज हुई है, काफी टाइम के बाद हुई है, 2015 से शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी जाके 7 लाख हुआ है। इन्फ्लेशन चल रही थी तो इसकी वजह से एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, तो जो कि हर बंदे को फायदा देगा जो इनकम टैक्स भरता है और जिन्होंने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को टूरिस्ट वीजा लगाना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में थैंक्स वाला बटन है, अगर आप मुझे और मोटिवेट करना चाहते तो थैंक्स वाला बटन दबा देने, और उसके साथ शेयर जरूर कर ताकि सब सबके पास ये पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, हैव गुड डे।